أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير سے بچے ما شاء الله. آپ سب لوگ کیسے سب گھر سے کیسے آرام سے آئے ما شاء الله آرام سے پہنچے ما شاء الله آپ کی نیا سال ہے. अभी नया साल के लिए नया सबक है, नया मदरसा है, आपके लिए नया उस्ताद भी है इंशाल्लाह. मुझे तो बहुत लोग पहचानते नहीं होंगे, तो मैं नया हो गया है ना आपको, और सब कैसा इंशाल्लाह. बच्चे पिछले साल आप तीसरी जमात में थे ना, याद है? हैं. तीसरी जमात में क्या क्या सब्जेक्ट आपको याद है बोलो? अकायद, अखलाक, तारीख, फिका, तजवीद. अभी कौन सी जमात है? चौथी. चौथी में वही सब्जेक्ट है, लेकिन है थोड़ा इजाफा, थोड़ा ज़्यादा है, इतना ही है इंशाल्लाह. बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपको उर्दू तो पढ़ने को बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आता है, आता है ना इंशाल्लाह. अभी हमको ऐसा नहीं है, थोड़ा कुछ क्रिएटिंग पावर सीखने का है. अभी आप तो बड़े हो गए ना, वैसा नहीं पिछले साल के ऐसे नहीं है. आपको उर्दू पढ़ने को आता है, लिखने को आता है, सब कुछ आता है. अभी होना क्या है? कुछ बनाने को आना है. कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कहाँ से कौन सा क्या देख के बनाएंगे, वो सब मैं बताता हूँ इंशाल्लाह. बच्चे पिछले साल हम सीखे थे अरकान ईमान कितने हैं? छः. वो कौन सी सबक में सीखे थे? सब्जेक्ट में, अकायद में. वेरी गुड. अकायद में सीखे थे ना, दूसरी जमात में भी सीखे थे, तीसरी जमात में भी सीखे थे. अभी कौन सी जमात है? चौथी जमात है माशाल्लाह. चौथी जमात में जो है हमको थोड़ा कुछ इजाफा करना है. कुछ भी हो, आज मैं पिछले साल का ही थोड़ा दोहराता हूँ. कौन बताएंगे? इसमें ईमान का जो पिलर से हमारे दिल में जो ईमान है, अगर ईमान मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है. बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं. ईमान ही नहीं तो जहन्नम में जाना पड़ेगा. अभी ईमान एक अहम मैटर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर, अदरवाइज नो हमारा ज़िंदगी बेकार है. इसलिए बच्चे हमको क्या होना, ईमान हमारे मजबूत होना. मजबूत होने के लिए हमको IEB इस्लाम एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसी किताब पेश किया है. किताब का नाम है क्या है? दुरुसुल इस्लाम. दुरुसुल इस्लाम में फर्स्ट सब्जेक्ट है क्या है? वही अकाइद. देखो किताबुल अकाइद दर्जे चारम इंशाअल्लाह. बच्चे इसमें हमको मैं चंद पूछता हूँ, कौन बताएंगे? अरकान ईमान कितने हैं? पांच. पांच है हाँ, छः. पांच नहीं, पांच अरकान इस्लाम है. चलो इसमें एक अल्लाह ताला पर ईमान लाना, नंबर टू फरिश्तों पर ईमान लाना, नंबर थ्री किताबों पर ईमान लाना, नंबर चार रसूलों पर ईमान लाना, नंबर पाँच कियामत के दिन पर ईमान लाना, नंबर छः तकदीर पर ईमान लाना. तकदीर बोले तो जो अच्छा ही बुरा या खैर और शर दोनों भी अल्लाह की तरफ से. हाँ मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से, कभी तकलीफ़ आती है अल्लाह की तरफ से, जब अच्छा मिलता है वो भी अल्लाह की तरफ से. हम बस हम अल्लाह के बंदे हैं ना, जो भी आता है राज़ी. सब्र, सब्र इस्तकामत, राज़ी होने का, रब पर राज़ी. सुभान अल्लाह. अगर अल्लाह ताला पर राज़ी है, अल्लाह ताला हमसे
अपनी रिजा से दौलत रिजा की दौलत से माला माल करता है, फिर हमको टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह जो अल्लाह को राज़ी किया वो तो पार हो गया, उसकी ज़िंदगी पार हो गया। चलो बच्चे अभी इंशाल्लाह आप देखो हमारे किताब हमारा बोर्ड देखो, इसमें मैं चंद ड्राइंग्स बनाया हूँ। एक अल्लाह, फरिश्तों, किताबों, रसूलों, क़यामत, तकदीर। आप लोग ये करना है इसे ड्राइंग्स बनाने का घर में, क्योंकि आज शनिचर है, कल संडे है। शनिचर जो है आपको संडे छुट्टी है, हमारे मदारिस में अक्सर हमारे यहाँ मदारिस में संडे छुट्टी है या स्कूल वगैरह में छुट्टी रहता है, आपको फ्री टाइम बहुत है। आप क्या करने का मालूम है, आप दूसरी जमात और तीसरी जमात में पढ़े थे ना, इसमें दो तीन लाइन्स अल्लाह के बारे में क्या सीखे वो लिखने का, फरिश्तों पर क्या लिखने वो किताबों पर, यानी दो तीन लाइन्स तो ज़रूर लिखना है। सब लोग लिखे इंशाल्लाह पीर के दिन आप मदरसा आते वक्त हमको दिखाना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमको बनाना है, संडे के दिन वो काम करना है आपको बैठ के इंशाल्लाह। और अभी आपको पढ़ने को सबको आता है ना, कुछ भी हो मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आप बड़ी जमात है। अभी पढ़ने का स्टाइल चेंज करना है, पढ़ने को तो आता ही है लेकिन स्टाइल चेंज करना है। कैसा स्टाइल, यानी दूसरे वाले सुने तो उनको समझ में आना आप क्या पढ़ रहे, इस तरह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, वही अंदाज में आपको रिपीटेशन करना है। देखो ईमान के अरकान, अरकान ईमान छः हैं और वो ये हैं। नंबर वन, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। नंबर टू, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर थ्री, उसकी किताबों, उसकी नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाना। नंबर चार, उसके रसूलों पर ईमान लाना। नंबर पाँच, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। नंबर छः, अल्लाह ताला की जानिब से तकदीर के खैर व शर, खैर और शर पर ईमान लाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और रोज़े आखिरत पर नीज उसकी जानिब से तकदीर के खैर व शर पर ईमान रखने को, यकीन रखने को ईमान कहते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम का हदीस है। इंशाअल्लाह बच्चे आपको वो ये हदीस याद करना है। एक नंबर टू, दो वर्क है आपको इसका, प्रोजेक्ट वर्क करने का है अल्लाह के बारे में, वो पिछले साल का किताब देख के करना है इंशाअल्लाह। अगले सबक इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारे क्लास में लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله।